ज्ञानोशन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को हम किस तरीके से अपने मैक्रोज में यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ डेटा टाइप्स मेंशन किए हैं। सो गाइस, ये डेटा टाइप्स जो हैं फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। अगर आप दोबारा सर्च करना चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, और आप उसको उसमें लिखना होगा डेटा टाइप्स VBA, तो आपको कंप्लीट डेटा टाइप्स की लिस्ट मिल जाएगी। बट मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से समझ आ जाए इसलिए मैंने डेटा टाइप्स को इस तरीके से प्रेजेंट किया है। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखा है बाइट। बाइट की जो रेंज होती है वो होती है 0 to 255। मींस ये 255 तक का नंबर अपने अंदर स्टोर कर सकता है डेटा टाइप। अगर आपको 256 वैल्यू स्टोर करनी है तो बाइट स्टोर नहीं कर सकता, वो ओवरफ्लो की एरर दे देगा। सो अगर आपको कभी भी अपने मैक्रो में ओवरफ्लो की एरर आ रही है तो आप समझ जाइए कि आपने जो डेटा टाइप यूज़ किया है उसकी जो रेंज है वो क्रॉस हो रही है। सो नेक्स्ट, अगर आपको 255 से ऊपर की वैल्यू स्टोर करनी है, न्यूमेरिक वैल्यू अपने वेरिएबल में, तो आप बाइट डेटा टाइप यूज़ नहीं कीजिए। आपको यूज़ करना चाहिए इंटीजर, क्योंकि इंटीजर की जो रेंज होती है वो -32,768 से लेकर प्लस में 32,768 तक होती है। यस गाइज, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा की वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको लेना चाहिए डेटा टाइप लॉन्ग, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा होती है, -21474483648 से लेकर 21474483647। सो गाइस, इसमें आप बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यू स्टोर करनी है तो आप यूज़ कीजिए डबल वाला, डबल डेटा टाइप। और टेक्स्ट स्टोर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग को। डेट या टाइम अगर स्टोर करना हो तो आप डेट डेटा टाइप यूज़ कीजिए। और अगर आपको ट्रू या फॉल्स बुलियन टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो आप बुलियन डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको हर एक डेटा टाइप के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है। चलते हैं विजुअल बेसिक एडिटर में, जहाँ पर आपको बहुत ही ईजिली मैं इन डेटा टाइप्स को वेरिएबल में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो बताऊँगा। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल की एक अलग शीट क्रिएट करी है जिसे मैं यूज़ करूँगा अपने मैक्रोज़ में। सो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हमें ये बताता है कि हमें वेरिएबल्स क्यों यूज़ करने चाहिए, वेरिएबल्स हम क्यों यूज़ करते हैं। तो एफिट करता हूँ, मैं A1 रेंज में टाइप कर रहा हूँ एज ऑफ कमल, और A2 में भी, A3 में भी। तो पर्पस ये है कि जब हम कोई भी वैल्यू बार बार मल्टीपल प्लेस में यूज़ करते हैं तो हमें उसे वेरिएबल में डिफाइन कर लेना चाहिए। रीज़न हम अभी देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। अब जैसे मैंने सेम वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और उसको मैंने प्रिंट करा दिया B1, B2, B3 में। सो गाइज, अगर हमें कल को यहाँ पर चेंज करना है, कमल की जगह पर कोई और नाम यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया कोई भी आप नाम, तो मुझे यहाँ पर तीन जगह चेंज करना पड़ा। अगर यहाँ पर 1000 होता तो 1000 जगह मुझे चेंज करना पड़ता, बट यहाँ पर मेरे को सिर्फ एक बार चेंज करना पड़ेगा। दिस इज़ द रीज़न हमें वेरिएबल्स यूज़ करने चाहिए। अगर हमें कोई भी वैल्यू मल्टीपल जगह पर उसे यूज़ करना है तो हमें उसे वेरिएबल में पहले स्टोर करना चाहिए, फिर उसके बाद यूज़ करना चाहिए। जैसे अब मैंने यहाँ पर किया था इसे चेंज, तो आप देखिए ये चेंज हो रहा है एज ऑफ राम। और मैंने यहाँ पर सिर्फ एक जगह चेंज किया वेरिएबल में, सेम काम हो रहा है, यहाँ वेरिएबल का यूज़ हो रहा है और यहाँ पर विदाउट यूजिंग वेरिएबल्स हो रहा काम। आप देखिए ये एक ही बार चेंज करने में तीनों जगह पर चेंज हो गया। सो दिस इज़ द रियल पावर ऑफ वेरिएबल्स। सो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, जहाँ पर हम देख रहे हैं बाइट डेटा टाइप को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये यस गाइस, बाइट जिसकी रेंज है 0 to 255, और इसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने मैक्रोज में। सो इसे मैं पहले बाइट कर देता हूँ और देखते हैं कि ये किस तरीके से यूज़ होता है। जिसकी रेंज है 255, मैं यहाँ पर C1 की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ एक वेरिएबल में, जो कि है बाइट डेटा टाइप का। तो आप देखिए 51 आ गया और मैसेज बॉक्स में ये डिस्प्ले हो गया 51। यस गाइस, बट अगर मुझे इसमें 256 की वैल्यू स्टोर करनी है तो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। मैंने ये 256 की वैल्यू स्टोर करनी चाहिए और इसमें एरर आ गई ओवरफ्लो की। मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर हम कोई भी डेटा टाइप में उससे ज़्यादा की वैल्यू स्टोर करेंगे तो ओवरफ्लो की एरर आएगी। तो आप समझ जाइए कि आप जो डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं उसकी आप लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर आप 256 या उससे ज़्यादा की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। और जैसे मैंने इसका डेटा टाइप अब इंटीजर कर दिया है तो अब ये एरर नहीं आई। देखिए
ये 256 उसने मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करा दिया। सो गाइज अब हम चलते हैं इंटीजर पे, जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है, मैं इसे इंटीजर कर देता हूँ पहले। और अब हम देखते हैं यहाँ पर 18 और 12 है, मैं इन दोनों को प्लस करके देखना चाहता हूँ कि हम इंटीजर में इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं F8 करता हूँ, मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स लिए हैं V1 और V2, और दोनों में मैंने ये वैल्यू स्टोर करा दी 18 और 12। V1 में 18 आ गया है और V2 में 12, और दोनों का जो प्लस है वो मैं रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ। इसको भी मैं इंटीजर ले लेता हूँ और इसे दोबारा रन करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम डेटा टाइप चेंज करते हैं तो हमें मैक्रो दोबारा रन करना पड़ता है। और आप देखिए V1 में 18 आया, V2 में 12 आया और इसका रिजल्ट आ गया 30 रिजल्ट वेरिएबल में, और ये डिस्प्ले हो गया। सो गाइस इंटीजर में ये बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म हो रहा है, बट अगर मुझे यहाँ पर कोई लंबी वैल्यू स्टोर करनी हो, अब इसकी रेंज हो गई 40,000। सो अब आप देख सकते हैं V1 जिसकी रेंज है इंटीजर में 32,000, मैं 20,000 स्टोर कर रहा हूँ इसमें। सो ये परफेक्ट चल रहा है, ये भी परफेक्ट चल रहा है, 20,000 दोनों में आ गया है। बट रिजल्ट जो भी इंटीजर टाइप का है, अब मैं इसकी कैलकुलेशन करके रिजल्ट में डाल रहा हूँ, तो रिजल्ट में 40,000 आएगा, और यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी क्योंकि रिजल्ट जो कि इंटीजर टाइप का है डेटा टाइप, वो भी 32,000 ही स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप ओवरफ्लो की एरर आ रही है। सो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, बेशक हम उसमें 32,000 स्टोर नहीं कर रहे दोनों वेरिएबल्स में, बट कैलकुलेशन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 32,000 को क्रॉस कर सकता है। इसलिए हमें डेटा टाइप बहुत सोच के रखना चाहिए, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर ज़्यादा वैल्यूज होती हैं तो मैं यहाँ पर लॉन्ग डेटा टाइप को यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर लॉन्ग कर देता हूँ तो आप देखिए ये एरर नहीं आएगी जो ओवरफ्लो की एरर आ रही थी। अब मैं F8 कर रहा हूँ और ये देखिए रिजल्ट में 40,000 आ गया और यहाँ पर हमारा 40,000 डिस्प्ले हो रहा है। सो गाइस अगर हमें ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है तो हमें हमेशा लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ करना चाहिए, और बाइट तो हमें रियली में बहुत ही अवॉइड करना चाहिए, अनलेस अगर आप एज स्टोर कर रहे हैं और वो भी उसमें कैलकुलेशंस नहीं होनी तो हमें बाइट यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज हमें अवॉइड करना चाहिए बाइट हमेशा इंटीजर या लॉन्ग। सो गाइस अब नेक्स्ट एग्जांपल है डबल का, तो मैं इसे पहले इंटीजर कर देता हूँ। आप देखिए मैं यहाँ फ्रैक्शन टाइप की वैल्यू स्टोर कराना चाह रहा हूँ एक वेरिएबल में, लेकिन मैंने उसे फ्रैक्शन का टाइप नहीं दिया जानबूझ के, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको ऐसा। देखिए 3.7 स्टोर किया बट डिस्प्ले हो रहा है 4, उसने राउंड ऑफ कर दिया। रीज़न ये क्योंकि इंटीजर जो है वो फ्रैक्शंस की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, तो अगर आपको फ्रैक्शन वाली वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा डबल। अब आप इसे रन कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर इसने 3.7 स्टोर कर लिया और डिस्प्ले भी करा दिया। सो गाइस नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर कराई है वेलकम टू gyanushin.com और ये हमारा डिस्प्ले हो गया है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डेट को स्टोर करने का, डेट या टाइम। नाउ जो है करंट डेट और टाइम को स्टोर करता है, और इसे हमने स्टोर करा दिया एक वेरिएबल में var5 में, और मैसेज बॉक्स के थ्रू ये मैंने डिस्प्ले करा दिया है। ये करंट डेट और टाइम दोनों को डिस्प्ले करा रहा है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल gyanushin.com। थैंक यू।